हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। तो आज जेन और मैं उठ गए हैं और मेरी कास्ट के दो मेंबर्स अभी भी सो रहे हैं, तो उनको उठाते हैं और देखते हैं आज का प्लान क्या है। और जेन यहाँ पे अपना सुबह सुबह दूध पी रहा है और बाहर लगता है आज सनी डे होगा, तो बाहर घूमी घूमी करते हैं। जेन घूमी घूमी करनी है, चलो घूमी घूमी करते हैं। गगन और बाज तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उठ तो गए हैं पर थोड़ी सुस्ती मार रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जा के आता हूँ जिम और फिर देखते हैं प्लान क्या है। चलो ठीक है, पॉ पेट्रोल देखो, मैं जिम जाके आया। ओके, लव यू। तो गाइस, मेरा तो वर्कआउट ख़त्म हो गया है, तो घर जाके देखते हैं कि गगन और बच्चा पार्टी उठ गया है कि नहीं। और एक बात मैंने आपको पहले बताई नहीं, आज है जेन का हेयर कट, तो देखते हैं हेयर कट के पहले और हेयर कट के बाद जेन कैसे लगता है। हे गाइस, उठ गए और दूधू की कैसी से हेलो, गुड मॉर्निंग जेन। ओ दूधू के गए, मम्मा साफ कर रही जेन, एब्स का है, एब्स। Hey cat, gummy gummy, are you ready? Chalo, let's go. Say bye bye, mama. और उसके बाद देखते हैं शायद बीच पे जाए, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी कि अब हम और क्या करेंगे। पसंद है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सैंड है। दूसरा जो वाइट रॉक बीच है वहाँ पे सब कुछ बहुत ही सीमेंटेड और क्या कहते हैं, हैप्पी क्या कहते हैं, फ्लोरिंग टाइप सी हुई हुई है जैसे, पर यहाँ पे थोड़ी सी सैंड है तो थोड़ी सी बीच वाली फील आ जाती है। तो जब भी हमें बीच आना होता है तो हम यहाँ पर आते हैं, और जब हमें थोड़ा सा हैपनिंग सा कुछ करना होता है तो हम वाइट रॉक बीच जाते हैं। कंटेंट बना रहे हो। कल हम बीच से वापस आके बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो गए थे डिनर बनाने में, उनको नहलाने में, ब्रश करा के सुलाने में। तो आज हम जा रहे हैं कॉफी के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हमारे घर पे लाइट नहीं है,
जी हाँ, कनाडा में भी लाइट जाती है, पता नहीं क्या इशू है, पर आज सुबह से लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं चल रहा। और यहाँ पर गैस स्टोव्स नहीं है, यहाँ पे वो इंडक्शन टाइप स्टोव्स है तो वो भी नहीं चल रहे, इसलिए हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट एंड कॉफी के लिए। लेट्स गो। भूख लगी थी, मैं रास्ते में था तो मैंने कहा चलो मिलते जाते। Perks of working close to home. कनाडा में भी लग जाती है। Okay, सारा कुछ। We are here for toy shopping and Zane found his toy. हम घर आ चुके हैं और हमने क्या क्या शॉपिंग करी है आज। हमने एक बर्थडे पे जाना है तो बर्थडे गिफ्ट लेने गए थे। ज़ेन ने अपने लिए एक पपी लिया है। That's your puppy. Why book? And puppy? या बाज ने ली बुक और ज़ेन ने लिया पपी। पपी का नाम क्या है? कोको। So pretty. Are you happy? तो गाइज आज मौसम थोड़ा बेईमान है, बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम है, पर आज मैंने जाना है आशिमा को मिलने तो मैं अभी वहां जाने लगी हूँ बच्चों के साथ और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं आज। वैसे मौसम लग तो नहीं रहा है कि कुछ और कर सकूंगी, बस इतना ही, सबको मिलके उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करके घर ही आ जाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली। गाइज बच्चों को मैंने घर ड्रॉप कर दिया था, हम आशिमा के घर गए थे उसकी बेबी से मिलने और वो बहुत ही क्यूट है, उसका नाम है रब्बानी। मुझे कॉफी की बहुत जरूरत थी, अब जाती हूँ घर और अब शायद बच्चों के साथ थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूंगी क्योंकि मैंने अपनी कॉफी ले ली है। हाय बेबी, बाज इज क्रॉलिंग नाउ। मैं राजमा चावल बनाने लगी थी तो मैंने सोचा बनाते बनाते व्लॉग कर लेती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैं कुकिंग नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुकिंग करती हूँ पर ज़्यादा स्वाद नहीं। देसी घी। हैप्पी के घर में राजमा चावल कुछ अलग ही बनते हैं और जब पहली बार मैंने देखा था तो मैं घबरा गई थी, स्कैंडलाइज हो गई थी। तो हैप्पी के घर राजमा हो या काले चने हो सब में आलू डलता है और पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों के घर में भी राजमा में आलू डलता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया और ना मैंने देखा है कि कोई आलू वाले राजमा चावल खाते हैं। रेसिपी देख रही थी तो बीच में ऐड आ गई थी जिसमें दीपिका पादुकोण अपना फेस आइस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी बीच में फेस आइस करना स्क्वीज इन कर लेती हूँ। नहीं ये ठीक नहीं बने। क्यों आलू नहीं है? गाइस खाना हम खा चुके हैं, राजमा चावल ओके बने थे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं एक होम टूर की वीडियो बनाऊँ जो मैं ज़रूर बनाऊँगी, प्रॉमिस है आपसे। पर उससे पहले मैं चाहती थी कि आप हमें पूरी फैमिली को थोड़ा और जान सके, तो आप हमारे बारे में जो भी जानना चाहते हैं, मेरे बारे में, ज़ेन के बारे में, बाज के बारे में, किसके बारे में, कोको के बारे में, हैप्पी के बारे में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। और ये वाली वीडियो ताकि आपसे मिस ना हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है डू हिट इट ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। बाय।